नीति नहीं अपनाओ। ऐ पुलिस, बिहार की पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस दमनकारी हम लोगों के साथ कर रही है, मारपीट कर रही है। हमारे 50 नेताओं को घायल कर दिया गया है जो कि हॉस्पिटलाइज है, और कितने कार्यकर्ताओं को मारा गया, हम महिलाओं को मारा गया, मुझे भी मारा गया, दौड़ा दौड़ा कर लाठी चार्ज हुआ है, दो बार लाठी चार्ज हुआ है यहाँ। तो इस समय की जो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से लाठी चार्ज हुई है, जो तस्वीरें हम इस समय की आपको दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार के ऑफिसर, नीतीश सरकार के मंत्री, वो लोग को ज्ञान का कहीं भी जानकारी नहीं है। इसलिए हम लोग उन शिक्षा अभ्यर्थियों के साथ, उन किसान भाइयों के साथ, उन बेरोजगार साथियों के साथ खड़े हैं। आज डॉक्टर संजय पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ शांति से आए थे, लेकिन पुलिस के कर्मचारी ने इनको धक्का दिया है, एक छोटा सा कर्मचारी ने जिसका बैच भी नहीं लगा हुआ है। पुलिस एक्ट के तहत उनका बैच लगाना उसका नैतिक जिम्मेदारी है और कानून का अधिकार भी है, लेकिन उन्होंने अपना बैच भी नहीं लगाया है और संजय पासवान जी को धक्का दिया है। ये बहुत ही गलत हुआ है, लोकतंत्र का हत्या हुआ है, बाबा साहब के विरोधी है नीतीश कुमार। सरकारी दमन बंद करो, सरकारी दमन बंद करो, अभी तक आप पे लाठी चला है? हाँ, अभी चल गया लाठी चला बैठा सिपाही के द्वारा। तस्वीरों को आप देखिए कि इन लोगों पे लाठी चार्ज हुआ है, देख सकते हैं इन लोगों का जो ये जख्म है। अभी तक सहयोगी संगठन लाठी चार्ज किस तरीके से किया गया है, लाठी चार्ज किस तरीके से, कहना है कि लोकतंत्र का हनन है और तानाशाही है, ये तानाशाही कहेंगे इसे? एकदम निश्चित रूप से तानाशाही है, या बिहार सरकार की तानाशाही है, हमारे अम्बेडकर जी का जो उनके हाथी पर खड़ा नहीं उतरा है, और अम्बेडकर के समाज के हमारे संजय पासवान जी हमारे MLC रहे हैं, इनको जानबूझ कर टारगेट करके इनको मारा गया है और इनको बेइज्जती किया गया है। यह सरकार बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को करारा जवाब देगी। मित्रों, हमारे जितने भी लोग हैं, कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ता अभी घायल है और अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, और बहुत सारे नेता घायल हैं। यह बहुत बड़ा तांडव है, यह सरकार के जो नीति है, या नीति का मैंने हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सारा विरोध कर रहा है। जो शिक्षकों के साथ जो जो मिसाइल नीति जो लागू हुआ है, वह जो है वह शिक्षकों के साथ हित में नहीं है, और इसलिए हम लोग सरकार विरोध कर रहे हैं। किसानों के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, हम सरकार को लगातार विरोध करते रहेंगे और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इसका करारा जवाब देगी। गिरा देंगे सरकार, निश्चित रूप से गिरा देंगे सरकार। क्या लग रहा है 24 और 25? ये हम 24 भी मेरे हाथ में और 25 भी भाजपा के साथ में। एकदम निश्चित रूप से बिहार की जनता चाह रही है कि भाजपा की सरकार बने, भाजपा केंद्र में भी रहे और बिहार में भी रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हैं और यहाँ पे बैरियर्स अभी लग चुके हैं, बैरियर्स इसके आगे जाना अलाउ नहीं है, बैरियर्स यहाँ पे लग चुके हैं। विधानसभा जो आज घेरा हुआ उसको लेकर के आज यहाँ पर लाठी चार्ज की गई, उसके बाद जो तमाम कार्यकर्ता थे उनका कहना है ये तानाशाही है और सुशासन की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की बात कही जा रही है। और वो तमाम जो तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अभी भी घेराव किया गया है और बैरियर यहाँ पे लगे हुए हैं और इन पुलिस कर्मियों के द्वारा लाठी चार्ज किया जा रहा है, भाजपा के तमाम और दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा। और भी हम कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी देखिए, हम लोग बाबा भीमराव के बनाए हुए संविधान को मानने वाले लोग हैं, बट यहाँ पे नीतीश कुमार के द्वारा हमारे नूतन बैरियर के सैकड़ों कार्यकर्ता को मार के माथा फाड़ दिया गया और हमारे माननीय विधायक श्री नारायण प्रसाद को भी धक्का मुक्की करके उनको गिरा दिया गया, वो अस्पताल में भर्ती है। मैं नीतीश कुमार जी का घोर निंदा करता हूँ और इस शक्तिपूर्ण रेथी का विरोध करता हूँ। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति पर चार्जशीट है उसको गिरफ्तारी नहीं करें, उसका ना इस्तीफा मांग रहे हैं। नीतीश कुमार जाए के चाचा भतीजा के गोद में सो गए हैं, हम उनका विरोध करते हैं। तो पर गठबंधन जो तानाशाही है, तानाशाही की सरकार कैसे चलेगा? हमें गिरफ्तार करे, मारपीट क्यों कर रही है? क्या आपने क्या कहना है? हमारा कहना है डोमिसाइल नीति लागू करो, बिहार के छात्र छात्रा को नौकरी दो, 10 लाख नौकरी देने की वादा किया है, 10 लाख नौकरी दो, नहीं तो नीतीश कुमार इस्तीफा कर। नीतीश कुमार बिहार के साथ, बिहार के छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, और इन्होंने
जो शिक्षा नीति अपनाया है वह बिहार के शिक्षा जगत के शिक्षा शिक्षकों के लिए यह सही कदम नहीं है। और जो डोमिसाइल नीति जो लागू हुआ है जो उसके लिए स्थायी तौर पर उसका जो शिक्षक नियुक्ति की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि बाहर से बुला करके, बाहर में बेरोजगारी भुखमरी चरम पर है और बाहर से बुला करके लोगों को शिक्षा। अरे नीतीश की सरकार, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की नीतियों के ऊपर बात करते हैं, आप महिलाओं को दौड़ा के मारते हैं। हम अपनी मांग रखते हैं, हम आम जनता हैं, हम शिक्षकों के लिए मांग करते हैं, किसानों के लिए मांग करते हैं, बेरोजगारों के लिए मांग करते हैं, आप महिलाओं को मारते हैं। एक महिला पर लाठी चलाने का कोई अधिकार नहीं है, आप महिला की बात करते हैं। यही बैठे रहेंगे क्या आप लोग? यही बैठे रहेंगे जी, हम लोग अपना विषय लेके चले हैं और ये चाचा भतीजा के गुंडा राज जो सरकार चल रही है इसके विरोध में हम सब पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे बिहार से हम लोग विधानसभा का मार्च में निकले थे और यहाँ के प्रशासन के द्वारा इतना बहुत महत्व हमारे विधायक को और पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री को जी को धक्का मुक्की सीने पर फैट से मारा गया, ये सब अशोभनीय विषय है। मैं इस सरकार का मैं विरोध करता हूं और गांव से लेकर के कस्बे कस्बे में मैं इसका विरोध करूंगा। और यहां आप देख रहे हैं यहां तमाम वो नेता और महिलाएं बैठी हुई है और इनका कहना है महिलाओं पर भी लाठी चार्ज किया गया है। इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे पीछे की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ बैरिकेड्स लग चुके हैं, घेराव किया गया है सुरक्षा, यहाँ देख सकते हैं तमाम वो तस्वीरें हम आपको इस समय की दिखा रहे हैं। इससे आगे जाना अलाउ नहीं है, रोक दिया गया है और यहाँ तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कब तक नहीं उठिएगा आप लोग? क्या बोले? कब तक नहीं उठिएगा यहाँ? हम लोग की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे। पुलिस की दमनकारी नीतीश कुमार की पुलिस दमनकारी नीति अपना रही है। अभी हम लोगों को मारी, कितने लोगों को मारी, एक अभी लड़के को मारा गया, टांग कर हॉस्पिटल गया है, ऐसे कितने लोगों को मारा जा रहा है। हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनकी नीतियाँ अपनी बदलेगी नहीं। नीतीश कुमार की पुलिस, भ्रष्ट पुलिस हम लोगों को क्यों मार रही है? हम लोगों ने किया क्या है कि मार रही है? हम बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे हैं, शिक्षकों की आवाज़ उठा रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, चारों तरफ गुंडागर्दी फैला है, उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। उसके लिए हमें क्यों मार रही है नीतीश कुमार की पुलिस? हमें गिरफ्तार करे, हम महिलाओं पर क्यों लाठी चला रही है? कहिए, यहाँ बैठे रह जाएंगे? देखिए हम लोग अगर लाठी आप पे भी चला तो बैठे हुए हैं, हमारे नेता बैठे हुए हैं, नेता हम लोग खाएंगे, नेता जब तक हैं हम लोग नेता के साथ हैं, हम लोग हटेंगे नहीं।